व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में आपको साथ एक चैलेंज शेयर करने वाला हूँ। ये चैलेंज से किस तरीके से आप $100 से सिर्फ 45,000 थ्री मंथ में अचीव कर सकते हो और उससे कई ज़्यादा अचीव कर सकते हो। अगर मैं वीकेंड्स को हटा दूँ तो किस तरीके से पूरा काम करेगा, आज के इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो। ये एक सिंपल एक फॉरम है जिसमें ट्रेडर्स अपना कुछ भी डिस्कशन है उसे शेयर करते हैं। तो किसी ने एक लाइव शेयर किया हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखो तो इसने इनिशियल $100 को अभी $201 बनाया है। तो किस तरीके से पूरा चीज़ वर्क करेगा, सबसे पहले $100 अकाउंट को आपको थ्री मंथ में $45,000 अकाउंट ग्रो करना है। और आपको डेली का टारगेट रहेगा 10% का। अब जैसे कि आपने, मैं एकदम इजी वे से बता रहा हूँ, अगर आपने 100 रुपीज़ से ट्रेडिंग स्टार्ट किया और उसका 10% आप गेन करके 10 रुपीज़ अर्न किए उस 100 रुपीज़ से, तो 110 हुआ। अब 110 का आपको 10% करना है, फिर उसके बाद उसका जितना हुआ 10%, फिर उसको ऐड करके ऐसी कंपाउंड करते करते आप थ्री मंथ में कर सकते हो। तो अगर मैं इसे अच्छे से एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो ये एक वेबसाइट है, आप भी विजिट कर सकते हो, calculatorsite.com, या फिर आप सिंपल लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर तो ये ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सिंपल डॉलर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लिखना है 100 लिखने के बाद आपको डेली 10% का ग्रोथ चाहिए। ये रहेगा डेली, ये 5 ईयर्स को हटा के आपको यहाँ पर कर देना है 3 मंथ, और ये जो कंपाउंडिंग फ्रिक्वेंसी है इसे डेली कर देना है, ओके। या फिर आप यहाँ से वीकली भी कर सकते हो, लेकिन वीकली काइंड ऑफ वही रहेगा, डेली करते हैं। और यहाँ अभी बहुत ज़्यादा दिखाएगा, जैसे कि जस्ट वेट, ये सॉरी ये 1 महीना है, इसको मैं 3 मंथ करता हूँ। 3 मंथ में अगर करूँ तो ये देखो ये इतना हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें वीकेंड्स और कुछ लॉस डेज को माइनस करूँ तो भी आप 45,000 से काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हो, क्योंकि हर दिन आपको अपना सेटअप नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको ये वाला मेथड बता रहा हूँ। तो कैसा लगा ज़रूर बताना। ये इजी सा एक मेथड है, लेकिन आपको अपने कुछ भी हो जाए ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल अवॉइड करना है, 10% मतलब 10% अ डे लॉस को भी एक्सेप्ट करके निकलना है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना रहना चाहिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड रहना चाहिए एटलीस्ट 1:2, तभी आप ये कर सकते हो। तभी आप 5% रिस्क करोगे तो 1:2 रहेगा, तो 10% अ डे आप गेन करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका आज लॉस हो गया तो आपको छोड़ देना है मार्केट, फिर अगले दिन आना है, फिर आपने 1:2 किया तो आप फिर थोड़े से ऊपर जाओगे। मतलब इस तरीके से आप 3 महीने के अंदर एक अच्छा खासा कैपिटल बना सकते हो। तो कैसा लगे वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना।